बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पटना में एमिटी यूनिवर्सिटी और भागलपुर में ट्रिपल आईटी की स्थापना पर मोहर लगा दी है। भागलपुर में ट्रिपल आईटी की स्थापना के लिए 44 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सूबे में जैविक खेती के लिए 129 करोड़ 77 लाख योजना को मंजूरी दी गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जनादेश अपमान यात्रा के लिए निकल चुके हैं। राबड़ी देवी ने तिलक लगाकर तेजस्वी को विदा किया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को एक्सपोज करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार रण छोड़ दें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने सवाल पूछा कि अब सूबे में नीतीश का साथ निश्चय चलेगा या बीजेपी का एजेंडा चलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सबूत के साथ गांधी मैदान की रैली में आरजेडी सुशील मोदी की पोल खोलेगी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला बोला है। कुमार ने तेजस्वी और तेज प्रताप के जनादेश अपमान यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आखिर ये यात्रा माल बनाने के लिए है या संपत्ति अर्जित करने के लिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है। त्यागी ने कहा कि तेजस्वी अपनी यात्रा चंपारण से क्यों शुरू कर रहे हैं, उन्हें तो शहाबुद्दीन के कर्मक्षेत्र सिवान से यात्रा शुरू करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए ही विरोधियों को संदेश देने की कोशिश की। नीतीश ने कहा कि लालच के पीछे भागने वालों को देखिए क्या हाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस बयान के जरिए नीतीश लालू परिवार पर ही हमला बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रसाद ने कहा कि करीब 35-40 साल बाद ऐसा संयोग आया है जब केंद्र और राज्य में एक ही विचारधारा की सरकार है। डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में पीएम मोदी के सपने को नीतीश कुमार साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम का वही सपना है जो पीएम का है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर गरीब का एक घर हो अपना। लालू यादव ने कहा है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो भी राहुल गांधी की हत्या करा सकते हैं। लालू ने नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला।